नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि बीकॉम के बाद क्या करें। इस पूरे वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि बीकॉम के बाद क्या करें। देखो, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं बता दूं ना, जब जैसे मैं एक गांव से आता हूं तो उस गांव में लोगों को इतना बीकॉम के बारे में नहीं पता था, मुझे आई थिंक खुद ही नहीं पता था। वहां पे इंजीनियरिंग, आईएएस, पीसीएस और गवर्नमेंट जॉब का बड़ा क्रेज था। जहां जिस जगह से मैं आता हूं वहां पे गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा क्रेज, तो बीकॉम का हम जैसी चीजें नहीं आती थी। और बहुत दूर दूर तक डिग्री कॉलेज थे जहां पे बीकॉम जैसी चीजें होती थी। अब होती भी थी, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते थे, सोचते अरे बीकॉम करके क्या करेगा। लेकिन मैं जब शहर में आया तो मैंने देखा, मैं कंफ्यूज हो गया दिल्ली जैसे रीजन में, कि दिल्ली जैसे रीजन में बीकॉम जैसी चीजों को पढ़ने के लिए लोग पागल हैं। फिर मैंने स्टडी किया कि नहीं, ऐसा क्यों है। फिर बाद में पता चला कि एक इंजीनियर से 50 गुना ज्यादा एक सीए कमाता है। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं कंपनी के, जो सीए होते हैं सब कुछ फाइनेंस संभालते हैं पूरा, तो वो बड़ा अपॉर्चुनिटीज होता है जो शहर वाले लड़के करते हैं बहुत ज्यादा। अभी भी है, मैं बता दूं मेरे इधर अभी भी बीकॉम की उतनी क्रेज नहीं है। लेकिन बीकॉम के बहुत सारे फायदे, पहला तो आप सीए बन सकते हो। सीए एक बहुत बड़ी डिग्री है। मैं बता दूं कि सीए आज के डेट में ना कंपनियों की जरूरत पड़ती है तो वहां पर सीए का रोल बहुत मेजर रोल हो जाता है। उसके अलावा, सीए के अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है बैंकिंग सेक्टर में कॉमर्स वालों का। उसके लिए आपको रिटर्न और इंटरव्यू क्रैक करने पड़ेंगे जो आईबीपीएस करवाती है। उसके अलावा आप क्लर्क भी बन सकते हो। उसके अलावा अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आप आईएएस की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं नॉन टेक एग्जाम, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हो। उसके अलावा प्राइवेट बैंकों में भी आपके लिए जॉब है भर भर के। प्राइवेट बैंक इन द सेंस एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बहुत सारे बैंक है जो अच्छे लेवल पे बीकॉम वालों को जॉब करते देते हैं। उसके बाद बीकॉम के बाद एमकॉम भी होता है, मास्टर की डिग्री भी आप ले सकते हो। एमकॉम के बाद भी आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना बीकॉम के लिए, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और इस अपॉर्चुनिटीज का आपको फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बीकॉम किया ना तो कॉन्फिडेंट अपने अंदर होना चाहिए, थोड़ी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक है बीकॉम का, एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए करने के बाद आप किसी भी फाइनेंस कंपनी में एज अकाउंट मैनेजर, अकाउंट हेड बन के भी अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हो। तो ये बड़े अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है, बस इन करियर ऑप्शन को आपको समझने की देरी है और उसके बाद अप्लाई करने की जरूरत है। क्योंकि बी प्रैक्टिकली जब आप पढ़ाई करोगे तो बी प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ता है। क्योंकि आप सुनते किसी और से कुछ हो, करते कुछ और लास्ट में रिजल्ट कुछ और आता है, तो वो चीजें अपने माइंड सेट से हटानी पड़ेगी। बी पॉजिटिव हो और बीकॉम के भी बाद आप अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।